तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का मिस वीडियो में। और आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं कि अगर आप लोगों के पास भी इस टाइप से वायरलेस एयरपॉड या फिर एयर ड्रॉप्स हैं जिनको आप लोगों को कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, मैं लैपटॉप की बात नहीं कर रहा जिसके अंदर ब्लूटूथ होता है, क्योंकि ये ब्लूटूथ डिवाइस है, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। बट अगर आपके कंप्यूटर में कोई ब्लूटूथ डिवाइस नहीं है, कोई ब्लूटूथ का जो एक डोंगल आता है ना वो भी नहीं है आपके पास कंप्यूटर में लगाने के लिए, सिर्फ आपके पास एक कंप्यूटर है, तो आप लोग कैसे अपने ये जो एयरपॉड्स हैं इनको कैसे कनेक्ट कर सकते हो या फिर एयर ड्रॉप्स इनको कैसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसके लिए मैं यूज करने वाला हूं बेसिकली दो चीज का। सबसे पहली चीज क्या होगी, आपका खुद का फोन, आपके पास आपका खुद का फोन तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ एक सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। उस सॉफ्टवेयर का नाम है साउंड वायर सर्वर, यहां देख सकते हैं सॉफ्टवेयर। ये आपको कहां मिलेगा मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आप लोग गूगल के ऊपर चले जाते हो और वहां पर लिखते हो साउंड वायर फॉर पीसी, और ये देख सकते हैं पहली जो वेबसाइट आ रही है साउंड वायर सर्वर फॉर विंडोज, इसके ऊपर टैप करके यहां से लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपको कुछ इस टाइप से आइकन यहाँ अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे मिलने लगेगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ आपको ये जो सॉफ्टवेयर है इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है अपने फोन के अंदर भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने प्ले स्टोर से जाके यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड कर रखा है। अब इसका बेसिकली यूज क्या है और ये कैसे हेल्प करेगा आपके इस एयरपॉड को कनेक्ट करने में आपके कंप्यूटर से, अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपका जो कंप्यूटर वाला साउंड वायर सर्वर है इसको हम लोगों को डबल टैप करके ऐसे ओपन कर लेना है। अभी फिलहाल देखिए अगर इसको ओपन करते हुए कोई भी एरर आए, लाइक अगर मैं एरर आपको दिखाऊं तो मैं अभी दिखाता हूँ एरर आपको। ये देखिए अगर कुछ इस टाइप के एरर आ रहे हैं आपके पास यहाँ पे, जैसे कि मैंने इसको कट कर दिया, फिर से मैं ओपन करता हूँ, अगर ये टाइप के कुछ एरर इसके ऊपर आपको देखने को मिलते हैं, देखिए इस टाइप के एरर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। कौन सी डिवाइस नहीं कनेक्टेड है, जो साउंड को या तो इनपुट लेती हो या तो आउटपुट देती हो, अभी आप लोग नहीं समझ पा रहे होगे। तो मैं आपको खाली एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर स्पीकर्स कनेक्टेड हैं और आप लोग को स्पीकर के अंदर नहीं साउंड सुनना है, आपको सुनना है इसके अंदर, तो आप लोगों को ये एरर नहीं आएगा। कुछ भी मतलब एक इनपुट डिवाइस कनेक्टेड होनी चाहिए, स्पीकर, या फिर मेरे पास स्पीकर नहीं है तो मेरे पास हेडफोन्स हैं। तो अभी देखिए जहाँ पे ये चीज़ एरर आ रहा है, अगर मैं हेडफोन को ना अभी इसके अंदर प्लग इन कर देता हूँ, अभी देखिए मैं इसे प्लग इन कर रहा हूँ, ये मैंने हेडफोन को प्लग इन कर दिया, यहाँ पर देखिए साइड में आ गया हेडफोन का सेक्शन, अगर मैं इसको ओके कर दूंगा तो ये एरर अब हमारा नहीं आएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक वॉल्यूम का सेक्शन भी अभी आने लगेगा, इसको मैं कट कर दे रहा हूँ, इसको कट कर दे रहा हूँ और इसको कट कर दे रहा हूँ। अब इसको डबल टैप करके खोलता हूँ, यहाँ पर देखिए एक वॉल्यूम का सेक्शन आने लगा और हेडफोन आ गया। तो ये चीज़ थोड़ी सी एक मैंडेटरी आई होप सो कि आप लोगों के पास मिली जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं कि सही हेडफोन ही यूज़ करो, ख़राब भी कर सकते हो, बट मैं कहता हूँ कि यूज़ कर लो, ठीक है। तो अब आप लोगों ने हेडफोन भी लगा लिया, आपके पे इस टाइप का सेक्शन भी आ गया, अब आपको क्या करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। यहाँ पे देखिए सर्वर एड्रेस आप लोग देख पा रहे होगे, ये जो सर्वर एड्रेस का नंबर है ना, जब आप लोग फोन वाला साउंड वायर खोलोगे तो आपको वहाँ पे ये सर्वर का सेक्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको ये नंबर को बस टाइप कर देना है। ये नंबर यहाँ पे मैंने ऐसे टाइप किया। और एक खास चीज़ और, आपका जो कंप्यूटर है वो उसी नेट से कनेक्टेड होना चाहिए जिस नेट से आपका फ़ोन कनेक्टेड है। लाइक मेरे घर में ब्रॉडबैंड लगा हुआ है तो मेरे कंप्यूटर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा हुआ है, ठीक है। और ब्रॉडबैंड से ही मेरा वाईफाई भी कनेक्टेड है, मेरा वाईफाई भी चलता है, ठीक है। तो वो वाईफाई मेरे फ़ोन में कनेक्टेड है, तो बेसिकली मेरा कंप्यूटर मेरे फ़ोन से कनेक्टेड है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, वायर नेट कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी मैं इसका अल्टरनेटिव भी बताऊंगा, अगर आपके घर में ब्रॉडबैंड नहीं है तो आप लोग कैसे फ़ोन और कंप्यूटर के नेट के कनेक्शन को एक कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, अब यहाँ पे डिसकनेक्टेड है, आपने यहाँ सर्वर नंबर लिख दिया, सर्वर नंबर लिखने के बाद जैसे हम लोग इसके ऊपर टैप करते हैं ना तो यहाँ पे देखो कनेक्टेड का सेक्शन आ गया है। अब बहुत बढ़िया है, कनेक्टेड का सेक्शन आ गया। अब आपको क्या करना है, ये जो आपके वायरलेस एयर ड्रॉप्स हैं या फिर एयरपॉड्स आप लोग कहते हो, ठीक है, इसको हम लोग ओपन करेंगे और ये क्या हो जाएंगे हमारे फ़ोन से कनेक्टेड। अभी यहाँ पे देखिए क्या होगा कि ये मैंने दोनों निकाल लिए हैं, ठीक है, ये दोनों मेरे हाथ में और ये कनेक्टेड हो गए हैं मेरे फ़ोन से, ओके। अब क्या करना है, हमें अपने फ़ोन के वॉल्यूम में अभी फुल कर ले रहा हूँ ताकि आपको सुना सकूँ गाने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोई सॉन्ग चल रहा है, बल्कि मेरे फ़ोन के अंदर ये सॉन्ग नहीं बज रहा, अभी आपको मैं दिखाता हूँ ये सॉन्ग कहाँ बज रहा है। ये सॉन्ग है हमारा नो कॉपीराइट सॉन्ग वाला, अभी मैं आपको चलाता हूँ कोई सॉन्ग और तब यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे ये सॉन्ग चालू किया मैंने, आई होप सो कि आपको सुनाई पड़ रहा होगा, अगर मैं इसको स्किप कर दूं आपको आवाज सुनाई पड़ रही, ओके ओके ओके। ये एक और चीज चल गई, सॉरी कॉपीराइट आ जाएगा। ये इधर भी मतलब मैंने म्यूजिक प्ले कर रखा था तो इसको मैं यहां से पॉज कर दे रहा हूं और
ये दरअसल इसका टच कंट्रोल है, उसकी वजह से ऑन हो गया। यहाँ पे सुनिए NCS वाला सॉन्ग। आई होप सो कि आप लोगों को NCS के सॉन्ग की आवाज आ रही होगी। ठीक है, आई होप सो कि इसकी आपको आवाज आ रही होगी। और ये देखिए मैंने साउंड रोक दिया। अब इसमें एक प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी एक प्रॉब्लम यही है कि इसकी साउंड की जो लेटेंसी होती है ना वो थोड़ी सी मिसमैच होगी। मतलब अगर कुछ सेकंड्स का फर्क आएगा कि आपका साउंड थोड़ा सा आगे, आपको इसमें थोड़ा सा कम सुनाई पड़ेगा। अब आप लोग इसका एडवांटेज अगर देखोगे तो ये डिसएडवांटेज तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, कि आप लोग डायरेक्ट कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, वॉइस मतलब आवाज़ इसकी आ जा रही है इसके अंदर। ठीक है, थोड़ी सी लेटेंसी की प्रॉब्लम है। और अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट है ही नहीं, आप लोग ब्रॉडबैंड नहीं लगा घर में, वाईफाई नहीं लगा, तो कैसे कनेक्ट करोगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने फ़ोन से अपने कंप्यूटर को इंटरनेट देना है। अब आप लोग सोचोगे कि कैसे दूंगा मैं, तो आपको क्या करना है, ब्लूटूथ मतलब अपने वायर को कंप्यूटर के अंदर लगा देना है, और उसके बाद USB का एक सेक्शन आता है जो कनेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ हॉटस्पॉट में लोगों को मिल जाता है ये, इसे कहते हैं USB टेथरिंग, अगर मैं इसको सही से प्रोनंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ, आई थिंक सो यही कहते हैं। तो इसको ऑन कर दीजिए तो फ़ोन का नेट आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली हमारा फ़ोन कंप्यूटर से फिर से कनेक्टेड है वाया नेट। तो उसके बाद आप लोग अगर इसका यूज़ करते हैं तो देखिए वर्किंग हो जाएगा जहां तक, अगर नहीं होता तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, आप लोग मुझे जाके बता सकते हैं। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।